मैं इस वक्त रावल हेड़ी के पास नगीना नजराबाद रोड रेलवे स्टेशन बूंद की, ये हाईवे है और इस रोड पर बहुत बड़ा ट्रैफिक निकलता है चलता है, और ये शुगर मिल भी यहीं पास में ही है, 2 किलोमीटर पर है। और ये देखिए इतना बड़ा ट्रक ये गन्ना ले जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ज़मीन है जहाँ ये पॉपुलर के पेड़ लगे हैं, इसकी बराबर में नाली है, ये नाली चली गई जहाँ तक वो ईख है पीछे है। ईख इसमें शामिल नहीं है, ये वाली ईख और ये वाली ईख इस उसी ईख से पीछे तक ऐसे चले जाए, और ये ईख शामिल है, छुलई हो रही है ना। उधर ही पॉपुलर के पेड़ हैं, मैं रोड पे से दिखाऊंगा क्लियर करके। ये 8 बीघे यानी कि 8000 गज है। ये फ्रंट भी इसका लगभग ऐसे मान के लो लगभग 280 कह दीजिए, 290 कह दीजिए, एग्जैक्ट तो नापने के बाद ही पता चलेगा। ये इसका फ्रंट है लगभग 280 मान के चले। और एक रेलवे स्टेशन की रेल की आवाज़ आ रही है। देखो साथियों, ये जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं ये रेलवे फाटक है, इसे बोलते हैं रावल हेड़ी का रेलवे फाटक, बड़ा फेमस फाटक है ये। ठीक इसके आधा पौन 1.25 किलोमीटर के बाद वहाँ से, यानी कि यहाँ से 2 किलोमीटर पे शुगर मिल है, शुगर मिल है। और रेलवे स्टेशन बूंद की बड़ा फेमस स्टेशन है, इस रूट पे बड़ा जाना पहचाना सबके। और मैं ये कह रहा था रावल हेड़ी गांव बिल्कुल बस्ती है, इसी रेलवे फाटक से जुड़ी हुई बस्ती है, सो मैं आके दिखा दूंगा उसे भी। ये नजराबाद जा रही रोड, तो ये रोड जो आ रही है ये नगीना की तरफ से है, नगीना है दोनों तरफ को लगभग लगभग 10-10 किलोमीटर मान के चलें, नगीना भी 10 किलोमीटर मान लो और नजराबाद में 10 किलोमीटर मान लो लगभग लगभग। ये भारी एक और बात बताएं, इस रोड की ख़ास खूबी जो यह है, 4 लाइन बनी है नजराबाद से कोतवाली के लिए, वहाँ को नहीं जाते लोग, पता नहीं ये ट्रैफिक शॉर्टकट होने की वजह से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और बढ़िया रोड बनी हुई है, तमाम व्यापारी भी और फैमिली वाली गाड़ियाँ यहीं को निकलती हैं, तो सरकारी गाड़ियाँ जो है वो निकल जाए अलग बात है, जो एक बार जरूर निकल के लौट के जरूर जाना है। ये रावल हेड़ी बिल्कुल पास में है, मैं इस बात को कहूँगा। देखिए ये इसका फ्रंट जो है, ये पॉपुलर के पेड़ लगे हैं यहाँ से लेके, इसका फ्रंट में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर गन्ना बहुत बढ़िया होता है, अच्छी फसल होती है गन्ने की, जबकि अब के बरसात बहुत ज़्यादा हुई है फिर भी इनका गन्ना अच्छा हुआ है। जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर की ट्राली पॉपुलर खड़े हैं छोटे वाले, यहाँ तक यानी कि मेरी बाइक खड़ी है यहाँ तक, सरकारी गाड़ियाँ रोडवेज भी है कोई निकल रही है, ये शॉर्टकट कर दिया उन्होंने। देखिए जहाँ भैया लिप्टिस के पेड़ हैं वो आगे लिप्टिस के पेड़ खड़े हैं ना, वो वहाँ तक ऐसे चले गए हैं, और ये घूम के है होते हुए गन्ना खड़ा है और जो प्लॉट खाली पड़ा है ये सब है। मैं अब आप भैया से बात करूँगा। और जाकर भाई जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया, आपका और आपके पार्टनरों का ये प्लॉट है जी? हाँ बेच रहे हैं आप इसको? जी हाँ बेच। पूरी बात बताओ कैसे कैसे क्या है जी? ये इधर रावल हेड़ी फाटक जो है यहाँ से 500 मीटर है, और यहाँ से 7 किलोमीटर नगीना है, और लगभग 11 किलोमीटर नजीबाबाद है। ये इसके बीच में जो ये रोड है ये लिंक रोड भी है और हाईवे रोड भी है। इधर यहाँ से 2 किलोमीटर बूंद की द्वारी के शुगर इंडस्ट्रीज है, और इसी के पास ही हमारा
तीन पार्टनरों का 8 बीघे का प्लॉट है, यानी कि 8,000 गज का प्लॉट है ये। 8,000 गज का प्लॉट है। रेट मैं इसके टाइटल में दे दूंगा। भैया ने बड़ी अच्छी बात बताई, हर एक बात बता रहे हैं। और कुछ कहना है, इसको बेच रहे हैं, कोई भी ले, इससे कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकता है। और बढ़िया एक प्रोजेक्ट के हिसाब की ज़मीन है, आप खेती भी कर सकते हैं और अच्छा बढ़िया प्लांट भी ला सकते हैं, क्योंकि इस रोड पर काफ़ी फैक्ट्रीज और प्लांट लगे हुए हैं। और नए नए बन रहे हैं, और नए प्लांट बन रहे हैं, पीछे भी बन रहे हैं और आगे भी, इधर भी प्लॉटिंग भी काफ़ी हो रही है। प्लॉटिंग हो रही है जी। ये ऐसा प्लॉट जिसके रेलवे स्टेशन पास में हो। एक और अच्छी बात जो है, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर 1.5 किलोमीटर के बाद में एक और रोड है जिसे नगीना रायपुर रोड बोलते हैं जी, वो भी ये लिंक है। और तीसरी बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ से ही 1 किलोमीटर के बाद लेफ्ट हैंड को जाएंगे तो वो हाईवे पहुँच जाती है, 4 लाइन पर पहुँचती है, यानी कि है ना, उनके मिल के पास है। हाँ, लगभग 3 किलोमीटर जो है जाने के बाद। हाँ, यानी कि इस रोड से 3 किलोमीटर के बाद तो 4 लाइन हाईवे, 4 लेन हाईवे है ये, बहुत बड़ी बात। और वो सीधा दिल्ली जाती है, वो सीधा दिल्ली जाती है, इधर वो तो इधर तो जाती है, फोन तो इधर जाती है, काशीपुर उधर जाती है ना। हाँ, देखिए वो वहीं से लिंक जुड़ जाता है ना दिल्ली का, बिजनौर के लिए, बिजनौर से। हाँ, बिजनौर के लिए। हाँ, तो भाई देखिए बड़ी खुलासा करके बात करते हैं हम, तो बात छुपाते नहीं, छुपाने का मकसद भी नहीं है। आप आइए देखिए, मैं मास्टर शराफत हुसैन, मैं लोगों की तमाम प्रॉपर्टियाँ, मकान, दुकान जो बेचने वाले हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से और ग्रुप है मेरे बहुत सारे उसके माध्यम से, और जनरली लोगों को बताता हूँ, मैं पहुँच जाती बात, जो भाई लेना चाहे इनके नंबर से बात कर लें। मेरे का नंबर, भैया नंबर बता दो अपना। और मेरा मोबाइल नंबर 9058850756। वो आपसे बात करें या मुझसे बात करें, एक ही बात है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। आपसे भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मास्टर साहब से बताइए, मास्टर शराफत साहब से भी बात कर सकते हैं और मुझसे भी, मैं जाकिर हुसैन हूँ, मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। और मेरे पार्टनर की इसमें पूरी सहमति है, हम सब लोग सहमत के साथ। हाँ, अपनी सहमति के साथ जो है उन्होंने मुझसे कह दिया है। मैं आपको ये बता दूँ कि हम, मैं जो काम करता हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ जिसके अंदर ना वाली बात हो, छुपाने की बात नहीं करते। उनके नंबर भी हम आपके मोबाइल में गिफ्ट के समय दे देंगे, उनसे कन्फर्मेशन आप करना चाहते कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, और हो सकता है अगली वीडियो में जब बनाऊँगा तो उनके एड भी, इंटरव्यू आ जाए इसमें, जो कहाँ बाहर गए हैं असल में। देखिए ये रोड, और इस रोड पर ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े भारी वाहन ये तो निकल जाते हैं। देखो साथियों, ये रेलवे फाटक है रावल एरिया का, बूंद की है ना, ये गया जी, बोलियो क्या कहा जाएगा। ये खजूरी गांव पड़ता है इससे, ये खजूरी गांव इस पर, और इससे आगे रतुपुरा गांव पड़ता है, रतुपुरा, और इसके बाद बनी, और इसके बाद नगीना रायपुर रोड है। तो ये तकरीब है 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का टुकड़ा है जो जो हाईवे से जोड़ता है इधर ही, और 3 किलोमीटर के बाद में इधर से वो कॉले मिल जाती है। हाँ, देखो साथियों, जो भैया ने अभी बताया लगभग 500 मीटर यहाँ से ये 8 बीघे का खेत ज़मीन, और 500 मीटर है, और ये है रेलवे स्टेशन करीब 200 मीटर पर बराबर में, है ना, इधर जाएंगे। ये आगे कई गांव पड़ते हैं, ये खुद रावल हेरी गांव बहुत बड़ा गांव है, इसमें अंसारी, कौन कौन बरादरी, इसमें कौन कौन है, अंसारी, शेख और सैनी। ज़्यादातर तो मुस्लिम, इसमें 80% मुस्लिम बता रहे हैं, और बाकी दूसरी बिरादरियाँ हैं, और पास की जगह है, और सब पुणे बम्बई वाले सेठ लोग हैं सब। हाँ, सब बम्बई पुणे वाले, और खेती किसानी वाले भी इसी तक जगह। तो भाई देखिए, इसमें चारों पांचों तरह का इस प्लॉट में, इस ज़मीन में काम होने की पूरी उम्मीद है। और जैसे लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मेरे माध्यम से आपको और आसानी से पता लग जाएगा, जब प्लॉटिंग वाले भी आ रहे हैं और अपने कोई इंडस्ट्री या कोई बड़ा प्रोजेक्ट डालना चाहें डालें करें। मैं मास्टर शराफत हुसैन।
मैं मास्टर साहब पाकिस्तान में बना था सर्टिफिकेट, हर तरह से अपनी बात मैंने बताई जताई। ओके, थैंक यू, थैंक यू।